हरे कृष्ण। ये बहुत सुंदर श्लोक है। ये हम बद्ध जीवों के लिए, ये श्लोक बद्ध जीवों को समझने के लिए श्लोक है। अभी तक हम लोग सुन चुका है, देख चुका है, यज्ञ स्थल में दक्ष प्रजापति अहंकारवश शिव जी को श्राप देता है, तुम्हें यज्ञ का भोग नहीं मिले। तो शिव जी के प्रिय शिष्य नंदीश्वर दक्ष को श्राप देता है, तुम्हें बकरे का मुख होएगा। फिर वो नंदीश्वर से का इससे गुस्से से ब्रह्म मुनि उठते, ब्रह्म मुनि उठ के वो सब शिवगणों को श्राप दे। वही इधर बताए प्रभु मुनि ने कहा, चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों तथा वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुमने नास्तिकता की नीति अपना। हम लोग पिछले श्लोक में हम लोग देख चुका है किस तरह भगवान शिव के भक्त जो शैव शिव जी का आराधना करते हैं और शिव जी से किस तरह अपने मांगों को पूरा करते, इच्छा प्रकट करते, इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते कि वेद हमें क्या शिक्षा दे। वेद महत्वपूर्ण है। वेद हमारे माता है, इधर बताए वेद हमारे माता है और ब्राह्मण हमारे पिता। हम लोग बद्ध जीव माया द्वारा बंधे हुए अंधे हैं। भगवान की कृपा से ही हम लोगों को ज्ञान कर, माया बद्ध जीवेर नाही। कृष्ण भक्ति भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते, भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे तो ही हम लोग को भक्ति प्राप्त। इधर हम लोग देख रहे, भगवान खुद भगवत गीता में बता रहे हैं कि मैं वर्णाश्रम मैंने ही बनाया, उनका कर्म कर्म अनुसार चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से, उनके गुण और कर्म के विभाग से मैंने चार वर्ण और चार आश्रमों को बनाया। जो बुद्धिमान वर्ण भगवान का सर कहलाते वो बुद्धिमान वर्ण ब्राह्मण है, और क्षत्रिय है वो शौर्य वीर वो क्षत्रिय है, और व्यवस्था गोपालन वाणिज्य व्यापार वो रक्षा करने वाले वैश्य, और तीनों के सेवा करने वाले शूद्र, और तीनों चारों के अंदर का गुण भी बताया भगवान। गुण क्या है? ये जो ब्राह्मण जो है वो सतो गुण में रहते हैं ना, भगवान का ब्राह्मणों का हम लोग कर्म हम लोग अभी पढ़े हैं, लोग जाने ब्रह्म जाने ती थी ब्राह्मण, ब्राह्मण हमेषा सतो गुण में रहता है और वो षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा इस ब्राह्मण है। क्षत्रिय वो रजोगुण में रहता है, वो क्षत्रिय है और देश की रक्षा करना, सभी प्रजा का रक्षा करना वो क्षत्रियों का रजोगुण में। और तीसरा है वैश्य व्यापार उद्योग गो रक्षा, उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण तमोगुण दोनों मिश्रित है। और चौथा है शूद्र भगवान के चरण, वैश्य ने भगवान के उदर और चरण भगवान के चरण है तमोगुण, वो शूद्र को बोलते हैं तमोगुण। मगर ये क्या है, चारों वर्ग के लोग मिलके भगवान का सेवा कर। इधर मेन है वासुदेव को जन्म, वासुदेव सर्वमिति, ये भगवान ने ये चार वर्ण चार आश्रम क्यों बना, क्योंकि ये सब लोग मेरे शरण में ही रहे। मगर ये जो तीन गुण है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों एक से एक कोड लगाते,
कभी सतोगुण में रहते हैं, कभी रजोगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं, हमेशा कोई सतोगुण में नहीं रहे। परमानेंटली हम लोग सतोगुण में हम लोग नहीं रहते। कभी हम लोग को रजोगुण के साथ हम लोग मिले तो रजोगुण हमारे अंदर आते हैं, तमोगुण हमारे अंदर, ये तीनों का ये चलता रहता है, तीनों का मिश्रण चलता रहता है ये तीनों। इसके लिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं निस्त्रय गुण्यो भार्जुन, ये तीनों गुणों से ऊपर उठो, ये तीनों गुणों से ऊपर उठो, शुद्ध सतोगुण। जब तक हम लोग शुद्ध सतोगुण में नहीं आएंगे तब तक हम लोग को इस रजोगुण तमोगुण के साथ मिश्रित होके हमारे अंदर एक गुण आ जाता है, हम लोग नीचे पतन हो जाते। ये श्लोक धारा हम लोग समझ सकते हैं। सतोगुणी लोग, सतोगुण में रहने वाला दक्ष प्रजापति, ये भृगु मुनि, जिस सभी ब्राह्मण लोग ऋषि मुनि लोग सतोगुण में है रहने वाले ना, वो सतोगुण में रहने वाले भी उनका पतन हो जाए। कैसे? क्योंकि सतोगुण के द्वारा उनको जो शिक्षा प्राप्त होता है, सतोगुण से वो शिक्षा जो प्राप्त करते, उस शिक्षा के द्वारा वो भगवान के शरण में नहीं जाते। वो शिक्षा के द्वारा उनमें के अंदर क्या होता है, अहंकार बढ़ता है। अहंकार, अहंकार कैसे आता है हम लोग को, भगवान और भगवान के भक्तों का हम लोग तिरस्कार करते, भगवान का और भगवान के भक्तों का हम लोग आदर नहीं करते, तभी हमारे अंदर अहंकार है। अहंकार ही पतन का मूल कारण। अहंकार आता है तो चलो समझना चाहिए, हम लोग देखा रावण को अहंकार आया, रावण का पतन हो गया। ऐसे जियो अहंकार आता है बोले तो उसका पतन निश्चित है। ये बोलते हैं ना हम लोग एक कहावत है, सर पे जो पानी डालेगा तो पाँव में आएगा। ऐसे जो अहंकार आता है तो उसका पतन निश्चित है। इधर दक्ष प्रजापति सतोगुणी थे, वो सब ऐश्वर्य धन संपत्ति प्राप्त किए हुए थे, मगर भगवान शिव की स्थिति को नहीं जानते। भगवान शिव परम वैष्णव है, परम वैष्णव है, यानी भगवान शिव जी भी बोलते हैं, शिव जी मेरे भक्त भी मुझे समझ नहीं पाते। शिव तत्व और गुरु तत्व को समझना बहुत कठिन है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेव्या उपदेशन ते ज्ञानम ज्ञानं ज्ञानिनां तत्वदर्शी। तत्वदर्शी गुरु के शरण में जाके उनको जब सेवा करेंगे, उनसे हम लोग भक्ति करेंगे, उनके चरण में हम लोग उन सेवा करने के बाद उनकी कृपा से हम लोगों को ये जो तत्व का हम लोग को ज्ञान मिलता है। नहीं तो ये आसान नहीं है, शिव तत्व गुरु तत्व को समझना इतना आसान नहीं। इधर दक्ष प्रजापति सतोगुणी थे, सभी ऋषि मुनि लोग सतोगुणी थे, मगर एक छोटे से कारण के लिए दक्ष प्रजापति ने इतना बतंगड़ कर दिया और यज्ञ स्थल को छोड़ के चले। उसके बाद नंदीश्वर और भृगु मुनि का इच्छा, इससे हम लोग जान सकते हैं राजमार्ग में भी कभी कभी अपघात संभव होता है। प्रभुपाद जी उदाहरण दे, कितने भी हम लोग सतोगुण में रहे, जब तक हम लोग शुद्ध सतोगुण तक नहीं उठते तब हमारा का हम लोग का ये नीचे गिरना संभव। ये मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि, इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी खुल्लम खुल्ला पूरा बताए, इसको जब बराबर हम लोग पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में जब मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ योनि है, ये सर्वश्रेष्ठ योनि है। अगर इस योनि में आकर हम लोग आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त है, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये हम लोग जान नहीं लेंगे, आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त करेंगे तो क्या होएगा हम लोग को, वापस चींटी से लेके ब्रह्मा तक 84 लाख योनि में हम लोग को भटकना पड़ेगा। इधर सीधे पता है 84 लाख, 84 लाख योनि में घूमने के बाद ही हम लोग को ये मनुष्य जन्म मिला है। हम लोग ये भूल गए, ये मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पहले भी
हम लोगों ने अनेकानेक जन्म प्राप्त किए हैं, अनेकानेक जन्म प्राप्त करके हमारे अंदर जो भी पाप का गठोरी है, पाप का गठोड़ा है, उस पाप के गठोड़े को नाश करने के लिए भगवान ने हम लोग को ये वैदिक ज्ञान दिया है। भगवान हम लोग को जन्म दिया, भगवान हमारे अंदर बैठे और भगवान शुद्ध भक्तों के द्वारा हम लोग को सुना रहे हैं और साक्षात वेदों के द्वारा हम लोग को बता रहे हैं मेरे शरण में। वेद हमें सिखाता है कैसे कर क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग बंद आत्मा अंधकार में है, तो वेद में हम लोग को देखते तीन विभाग, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना। कर्म कांड भगवत गीता में, भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं, यामिमा पुष्पिता वाचम प्रवदन्ति विपशिता वेदवादा रथापार्था नान्यदस्ति की वादित। ये जो वेद का अलंकार भरी भाषा, अलंकार में भाषा है, जो कौन आकर्षित हो जाते हैं, ये बद्ध जीव, बद्ध जीव, क्योंकि उनको वे अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए, ऐसे लोग वेदों के सुंदर सुंदर अलंकार में गए। अलंकार में भाषा ने क्या है, ये यज्ञ करो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये करो पूजा करो आपको पुत्र प्राप्ति होगा, ये करो ऐश्वर्य प्राप्ति होगा, ये करो ये संपत्ति प्राप्त, ये जो अलंकारमयी भाषा है उसको समझ के ये लोग सोचते हाँ स्वर्ग सुखी सबसे श्रेष्ठ, यही सबसे श्रेष्ठ है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ये इंद्र तृप्ति स्वर्ग सुख यही सर्वश्रेष्ठ मान के इसी में लगे रहे। अभी हम लोग दक्ष प्रजापति का हम लोग देखा, दक्ष प्रजापति इतने अमीर ऐश्वर्य सब 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 उसके पास है, इसके लिए उसके अंदर उसने इस सकाम कर्म करके ये जो ऐश्वर्य प्राप्त किया है वो खुद को तृप्त करने का, उसने ये उनके मन में ये भाव नहीं है, ये जो सब कुछ हम लोग को भगवान कृष्ण से मिला है, भगवान विष्णु के शरण में समर्पित है, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं भगवान विष्णु की खुशी के लिए, भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान विष्णु की प्रीति के लिए, खुशी के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये नहीं है, ये ज्ञान नहीं है लोग, ये जो ब्राह्मण है और जो सतोगुणी ब्राह्मण है, उन लोग को भगवान की शरण में जाना का, भगवान के लिए यज्ञ कर रहे हैं, भगवान की प्रिय बनने के लिए, ये नहीं है, वो लोग सब अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर रहे हैं। इसके वजह से उनके अंदर अहंकार आ गया, अहंकार के कारण भगवान दक्ष प्रजापति शिव जी को पहचाना, शिव जी का स्थान इतना ऊपर है, चैतन्य महाप्रभु के गौर लीला में भी आता है, गौर लीला में कीर्तन में शिव जी नाचते हैं, हरि नाम लेके नाचते, और पार्वती को भी शिव जी बताते हैं इसमें एक ही नाम है, भगवान हरि का एक ही नाम सर्वश्रेष्ठ है। आप पार्वती पूछते आप हमेशा किसका ध्यान कर रहे हो, आप इतने महान हो आप किसके ध्यान करो, तभी बोलते आराधना विष्णु नाम, सर्वश्रेष्ठ आराधना विष्णु का, और हमेशा शिव जी संकर्षण का ध्यान करते रहते, संकर्षण का ध्यान करते रहते, वो उनके पास सब ऐश्वर्य है सब कुछ है, पार्वती जैसी ऐश्वर्य की देवी है उनको कुछ कम नहीं है, मगर वो जहां रह रहे स्मशान में रहे और शरीरों पे राख लगाते रुंड माला लगाते और चर्मामर धारण करते, इस सब उनका जो शुद्ध भक्ति का एक भक्ति का भाव, हम लोग इधर पढ़ते भागवत में शुद्ध भक्तों को हम लोग, शुद्ध भक्तों को गुण को हम लोग नहीं जान पाते, शुद्ध भक्तों की क्रिया मुद्रा अलग ही रहता है, हम लोग ये षड़ गोस्वामियों का चरित्र में और हम लोग देख रहे, तो उन लोग का हम लोग समझ पाना बहुत कठिन है, शुद्ध भक्तों का
इसके लिए हम लोग भजन करते रहे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। शुद्ध भक्तों का एक चरण का रेणु मिले थे हम लोग भजन कर पाते, नहीं तो हम लोग सब पाखंडी है, दिखावा कर रहे। इधर शूजी तमोगुण के अधिष्ठाता है, तमोगुण के नायक है, पर उसके अंदर तमोगुण नहीं है, वो शुद्ध सतोगुण में है और हमेशा भगवान शंकर का ध्यान करते। वो जो भी उसके भक्त लोग है, जो अपने इच्छा के लिए ऐश्वर्य धन संपत्ति मांगने के लिए सब देते हैं, वो आशुतोष है, तुरंत सब कुछ देते हैं। हम लोग कल का श्लोक में हम लोग जाना कैसे शिव जी के भक्त लोग कैसे ये करते हैं। शिव जी खुद वैष्णव है और वैष्णव धर्म धर्म के लिए उन्होंने, हम लोग देखते हैं ना चार संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी के द्वारा ये रुद्र संप्रदाय चलता है, ये वैष्णवाना यथाशक्ति परम वैष्णव है। ये जो तथाकथित शिव जी के भक्त हम लोग कल का इस श्लोक में बहुत सुंदर रूप से शिव जी के भक्तों का जो वर्णन हुआ था हम लोग देखा है। जो शिव जी के जो भक्त उनमें थोड़े अकिंचन है ने, कुछ अन्यभिलाषिता शून्य भी शिव जी के भक्त है, जो कुछ शिव जी के पास शरण में जाके हम लोग को यही मांगना चाहिए, हमें कृष्ण भक्ति मिले, तो तुरंत भगवान कृष्ण भक्ति को देते। हमने बहुत सारे हम लोगों को, हम लोग जीवन में हम लोग देखते हैं भगवान शिव जी को बोलते ना, कुछ निष्किंचन भाव, यानी कुछ इच्छा के बिना हम लोग शिव जी का पूजा करें तो शिव जी हमें कृष्ण भक्ति में लाके रखते। ये हम लोगों ने प्रत्यक्ष अलग 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 लोगों का हम लोग इससे मालूम पड़ता है। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है, मगर तमोगुण में जो भी जीव है, भूत प्रेत बेताल सब है, वैसे वो लोगों को शुद्ध करके उन लोगों को भक्ति में लाके उन लोगों को उद्धार करते। तमोगुणी जो भूत प्रेत सब है उनका उद्धार करते, मगर वो तमोगुण में नहीं रहते, शुद्ध सतो। इसके लिए मतलब वैष्णवानं यथा शंभु, पहला वैष्णव है। ऐसे भगवान के भक्ति करने वाले अनेक लोग हैं, अनेक संत है, सब है, सभियों में कौन है, शंभु शूजी परम श्रेष्ठ प्रथम वैष्णवाना यथाशंभु। इधर हम लोग देखते हैं शिव जी के भक्त आते हैं, मांगते हैं वो ऐश्वर्य धन संपत्ति, वो ये नहीं सोचते शिव जी के पास इतने सारे रहने पर भी स्मशान में क्यों रह रहा है, ये रुंडमाला क्यों रह रहा, पहन रहा है, ये राख क्यों लगा है? वो नहीं सोचते, वो लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए सब मांगते, ये दे दो ये दे दो, और शिवजी देते भी है, क्योंकि उनका ध्यान में कोई रुकावट नहीं आना चाहिए, इसके लिए उन लोग को उनका वर दे के बह गए। इस श्लोक में प्रभुपाद जी हम लोग को बता रहे, जो वैदिक शास्त्र और ब्राह्मणों की जो निंदा करते हैं वो नास्तिक। जब भी बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, बौद्ध धर्म की स्थापना उसके पहले बहुत पशु बलि होता था, पशु बलि करते थे, इसके लिए गौतम बुद्ध ने अहिंसा का स्थापना करने के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना की। पर वो लोग क्या क्या बौद्ध धर्म में वेदों को हटा दी, वेद कुछ है ही नहीं बौद्ध धर्म, फिर अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म वो उनका कुछ स्टेप है, ऐसा परम धर्म धर्म इसके बारे में। पर उसी टाइम शंकराचार्य, शंकराचार्य प्रकट हुए, शंकराचार्य साक्षात ईश्वर है, क्योंकि जब भी पहले उन्होंने अलग 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 ये लिखा वेदांत सूत्र, अलग अलग वेदांत का भाषा सब लिखा, तभी
भगवान शिव जी उनको दर्शन दिए, दर्शन दिए उनको, तभी उन्होंने भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मति संप्राप्ति सन्नीति काल नहीं नहीं रक्षते नृपुरी करणे, चरपट पंचाक्षरी उन्होंने लिखा। बहुत सुंदर है चरपट पंचाक्षरी, 25 श्लोक है उसमें, एक से बढ़कर एक से कैसा हमें मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म जीवन में हम लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में बताया। शंकराचार्य ने आके ये बौद्ध धर्म को हटा दिया और वापस वेदों की स्थापना है, क्योंकि वेदों के बिना हम लोग कैसे जिएंगे, वेद हमारी माँ है, हम लोग को मार्गदर्शन वेदों के द्वारा होते हैं। आज हम लोग जो भी प्रगति कर रहे वेदों के द्वारा, थोड़े नास्तिक लोग हैं वेदों को मानते नहीं भगवान को मानते नहीं, वो अपने मनगढ़ंत एक कर रहे। इधर हम लोग शिव जी के गणों का भी हम लोग देखा है, जो शिव जी के पास कुछ इच्छा के बिना आते वो लोग शुद्ध भक्ति प्राप्त करते, और थोड़े लोग ऐश्वर्य धन संपत्ति के लिए मांगने के लिए आते हैं, और अपने सब शिव जी का जो अनुष्ठान है जो वो पालन करते हैं, मगर उनका क्या आचरण है, जो नहीं करने का वो करने का, ये हमारे वैष्णव में चार एटिकेट है, वैष्णव में चार नियम है, नशा पान नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, हम जूत क्रीड़ा नहीं करना, और अवैध स्त्री संग नहीं करना, ये चार। मगर इधर ये तथाकथित जो शिव जी के जो भक्त है ये चारों कर, और ब्राह्मणों को वेदों को नहीं मान। इसके लिए भृगु मुनि बोलते आप तो पहले ही नास्तिक हो, मैंने शाप बाद में दिया आपको, आप पहले ही नास्तिक हो, क्योंकि वो शिव जी का नकल करते हैं ना, गांजा पीना, नशा पान करना, ये सब मदिरा पीना, ये सब करना। इसके लिए भृगु मुनि बोल रहे हैं उनको, तुम पहले से ही नास्तिक हो, मेरे श्राप देने से नहीं, उसके पहले से तुम नास्तिक हो करके। इधर हम लोगों को ये शिक्षा मिलता है कि हम जो थोड़े थोड़े भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में आ रहे हैं, हम लोग को तुरंत अहंकार आ जाता है। हाँ हम लोग को इतना सब आता है, इतना आता है, हम लोग सब जानते हैं, नहीं कभी भी हम लोग को हम्बल रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को सिखाया सिखाया है कैसे, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्य मान देना कीर्तनीय सदारी। हमारा ज्ञान ऐसे बोलते हैं ना, सुभाषित में आता है, वृक्षाणाम जीवनम धन्य वृक्षा सत्पुरुष है वो जीवना उपकार है जीवंती सतत। अपने वृक्ष अपने फलों से भरा हुआ रहते हैं, फल से भरा हुआ रहते हैं, मगर वो खुद खाता नहीं, एकदम झुक के रहता है, सभी को फल देता है, वो कुछ खाता नहीं। और नदी, नदी जैसे हम लोग नदी का पानी, वो सब जीवों का प्राणाधार, ऐसे सुभाषित में बताते वृक्षाणा वृक्ष और नदी ये सत्पुरुष के समान है। हमारा जीवन में भी हम लोग थोड़ा कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो पूरा भी नहीं है, करने के कोशिश में है, तो भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता तुरंत, ये हम लोग को ये सब आता, हम लोग को ये समझते हैं, हमको ये जो अहंकार क्या होता है, इधर बता रहे अहंकार पतन का मूल है, कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम लोग ऐसे जब हम लोग को कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है हम लोग को, कुछ नहीं आता है हम लोग को, सीखने का कोशिश कर रहे, जब हम लोग हम्बल हो गए, हम्बल स्टेट में हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, तो कि हमारे अंदर थोड़ा 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 जब भक्ति का ज्ञान प्राप्त हो गया। इधर बता रहे जो सकाम कर्म कर्मकांड कर्म जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो कर्म, सकाम कर्म में भी थोड़ा सा भक्ति है, भक्ति की दवा है, अगर वो ये ज्योतिष टोम यो चातुर्मास ये वो ये अलग 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 सकाम कर्मकांड करते 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 वो लोग अज्ञान तो उनका अज्ञान नष्ट होके ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो लोग भगवान के शरण में आएंगे। इसके लिए
कर्म कांड में, अलंकार में, भाषा से ये सब वर्णन किया। जो बुद्धिमान है वो तुरंत समझ लेता है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, कृष्ण वर्ण कृषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षद यज्ञे संकीर्तने पाए यजंती सुमेधसा। जो बुद्धिमान लोग है, चैतन्य महाप्रभु इसमें भी बता रहे हैं कि बौद्ध धर्म नास्तिक है, जो बुद्धिमान है वो तुरंत समझ लेते हैं कि हम लोग को ये करना है, एक करना है। कृष्ण वर्ण कृषा कृष्ण सांगो, साक्षात भगवान कृष्ण साधारण वर्ण में आके हम लोग को ये शिक्षा दे रहे। ये इस कलयुग के लिए हम लोग को वेद का पठन करना, पुराणों को ये करना बहुत कठिन है हम लोग के लिए। एक तो मन इतना चंचल है, एक जगह पे हम लोग बैठ नहीं सकते, एक जगह शांति से हम लोग सुन नहीं सकते। ऐसे ही कलयुग में हम लोग वेद पाठ का पढ़ना, पुराणों को समझना बहुत कठिन है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु हम लोग को इतना आसानी से रेडीमेड फूड दे दिया, कुछ नहीं कर बैठे, किधर भी कहाँ भी बैठो, किधर भी बैठो, कौन सा भी स्थिति में बैठो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे हम लोग एक हरे नाम का कीर्तन करेंगे तो ही हमारे अंदर अहंकार है वो नाश होगा, नहीं तो अहंकार ऐसे नाश हो नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना, रस्सी जल जाता है मगर ईंट नहीं जाता। भले ही हम लोग का सब जाने दो मगर वो अहंकार, जो अहंकार का भाव है वो नहीं जाता। कभी होएगा जब हमें भगवान के चरण में शरणागत होएंगे, और शुद्ध भक्तों के, कैसे ये परंपरा में आए हुए शुद्ध भक्तों की चरण में जाके उनकी सेवा करेंगे। सेवा करने से ही शुद्ध भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा करते 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 हमारे अंदर का अहंकार नष्ट हो जाता है। जब तक हम लोग सेवा नहीं करेंगे तब तक ये अहंकार नष्ट होने वाला नहीं है। इधर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से हम लोग को समझा है, मनुष्य जीवन ही सर्व ये है, मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि है। इधर बता रहे इस जगत में मनुष्य जीवन सर्वोच्च सिद्धि है। वेद मार्ग दिखाते हैं कि जिससे मनुष्य अगले जीवन में ऊपर उठ सके। इस जीवन में हम लोग मनुष्य जन्म शरीर लेके आए, हो गया सब, आयु बीत रहा है, क्षण 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 में कैसे फूटे हुए मड़के में पानी डालेगा तो कैसे आयु बीतता है, ऐसा बीत रहा है। खिले हुए फूल का अंदर जितना सुगंध रहता है इतना ऐसे थोड़ा सुगंध यौवन अवस्था में, वो भी गया, यौवन खत्म हो गया, बुढ़ापा आ गया, आयु जा रहे, आयु हरती वही पूसा बोलते हैं ना, क्षण 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 में हमारा आयु हर रहा है। हम लोग अपने इंद्रिय तृप्ति में और अहंकार में हम लोग लगे हुए। इस दक्ष प्रजापति के द्वारा हम लोग को शिक्षा मिल रहा है, हम लोग को भगवान की शरण पकड़ना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा भक्त और शुद्ध भक्तों के मुख से ये ज्ञान, वैदिक ज्ञान को हम लोग शुद्ध भक्तों के मुख से सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवा करना सुनना चाहिए, भगवत गीता भागवतम भगवत गीता सुनना चाहिए, अशुद्ध भक्तों की सेवा करना चाहिए। ये सब करने से हम लोग धीरे 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 ऊपर उठेंगे, और अगले जन्म में हम लोग अगले जन्म की हम लोग तैयारी कर सकेंगे। ये ब्राह्मण और वेद कितने महत्वपूर्ण है, वेद शास्त्र पुराण आदि सभी सभी जो है जो हम लोगों को ऊपर उठने के लिए वो मार्गदर्शन करते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण ही जो शुद्ध ब्राह्मण थे, विशुद्ध ब्राह्मण, वो हमेशा षटकर्म निपुण में रहते हैं, मगर अभी कलयुग में वो शाप के कारण सब ब्राह्मण अपने जो दिव्य स्थिति को हरा दिया। जो भगवान के शरण में भगवान का इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने
किया है ना, किबा विप्र किबा ना से शूद्र के न होए, सही कृष्ण तत्ववेदी सही गुरु हो। ब्राह्मण हो शूद्र हो चांडाल कुल में जन्म लिया हो कोई भी हो, मगर जो कृष्ण तत्व को जानता, कृष्ण को तत्व से ही जानता, कृष्ण को जो तत्व से ही जानता है वो ही गुरु है। भगवान खुद भगवान भी बताए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति। अर्जुन, अर्जुन को भगवान बता रहे जो मेरा जन्म कर्म का जो तत्व था जो जान लेते, एक तत्व था कौन जान लेंगे, जो भगवान के शुद्ध भक्त तत्ववेता, तत्ववेता जो गुरु जो शिष्य परंपरा में आए हुए गुरु, उनके शरण में जाएंगे तो हम लोग तत्व से हम लोग वैदिक शास्त्र पुराण को हम लोग समझ सकते, नहीं तो हम लोग अज्ञान के गर्त में जाए। हमेशा सत्संग में रहना, हमेशा गुरु की सेवा करना, भगवान की सेवा करना और शास्त्र पुराण आदि को सुनना, ऐसे करते 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 हम लोग अगले जीवन में ऊपर उठने की कोशिश करें, ऊपर अगले जीवन की तैयारी करें। इस श्लोक द्वारा हम लोग ये समझ सकते हैं कि सतोगुण में भी रहने पर, सतोगुण रहने पर भी हम लोग को हमारा पतन हो जाए, सतोगुण से हम लोग को ऊपर उठना चाहिए। शुद्ध सतोगुण, शुद्ध सतोगुण कौन, शिव जी जैसे शुद्ध सतोगुण, उनको कोई कुछ बोले तो भी ये नहीं है, शुद्ध भक्त कैसे रहते, उनको बाह्य जीवन का कुछ यही नहीं रहता, वो अपने भक्ति में लगे रहते। इसके लिए आगे भी इसके बारे में वर्णन है, हम लोग समझ सकते हैं शुद्ध भक्तों का जीवन कैसा रहता है, वेद शास्त्र में भी क्या है आगे के श्लोक में मिलेगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय, हरे कृष्ण।